Black pepper chicken, yum delicious recipe, a must try. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुकिंग क्रिएशन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक पेपर चिकन, जिसकी मुझे बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आए हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। चिकन मैंने वन केजी चिकन ले लिया है, इसके अराउंड 16 पीसेस करवा लिए हैं। चिकन का साइज़ छोटा लीजिए, जितना छोटा होगा उतना मज़ेदार और लजीज बनेगा। योगर्ट मैंने इसमें वन बाउल मीन्स वन कप ले लिया है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। जब इसको कुकिंग में आप यूज़ करें तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने इसमें ले लिए हैं टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी, आपके पास फ्रेश टोमेटोज हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अराउंड 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने इसमें भर के, हीपफुल। आप चाहें तो फ्रेश टोमेटोज ले रहे हैं तो 3 टोमेटोज ले लें, दैट विल बी इनफ। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसमें मैंने लिए है 1 टेबल स्पून। एचपी सॉस मैंने इसमें ली है अराउंड 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास एचपी सॉस नहीं है तो आप बारबेक्यू सॉस या सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, पर एचपी सॉस का डिफरेंट टेस्ट है ज़रा। और मैं इसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर रही, मैंने इसमें ऐड किया है चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप चाहते हैं तो चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कीजिए, नहीं तो आप किनोर के 2 क्यूब इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ऐड किया है गार्निशिंग के लिए। हम इसमें ग्रीन चिलीज लेंगे, फ्रेश कोरिएंडर लेंगे जो कि मैं एंड पे फ्रोजन ऐड करती हूँ, और गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने इसमें लिए कसूरी मेथी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा एनहांस होता है। और मेन इंग्रेडिएंट हमारे आज डिश की जो है वो ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इसमें फाइनली आप इसमें क्रश कर लीजिए, फ्रेश लीजिएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये अराउंड 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर ले लिए हैं अराउंड 1/2 टीस्पून। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो आए इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। एक पैन में आप ऑलिव ऑयल या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ऐड कर लीजिए। मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून ऐड किया है। और अब इसमें मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूँगी। जब तक इसकी सिमरिंग होती है हम इसको कुक करेंगे अराउंड 1 to 2 मिनट, फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी। जी तो जिंजर एंड गार्लिक की जो सिमरिंग है वो सेटल डाउन हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। और काफ़ी लोग इस स्टेज पर इसमें नमक में ऐड करके चिकन को भूनते हैं। नमक मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि इसमें नमक ऐड मत कीजिए। अगर हम इसमें नमक ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट लॉक हो जाता है और बाकी टेस्ट इसमें अच्छे से नहीं रचता बसता। तो फिर आप इसमें क्या करें कि इसको सिर्फ इस वक्त जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट में अच्छे से सौते कर लें अंटिल इसका कलर वाइट हो जाए। अब इसका जो राउंड इसको लगेंगे 7 to 8 मिनट, ताकि इसको हाफ डन भी हम कर लें। उसके बाद इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, तो स्टे ट्यून्ड। चिकन हमारा हाफ डन हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब स्टेज पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कनोर चिकन क्यूब, चाइनीज सॉल्ट, ब्लैक पेपर, आप इतना ऐड करना चाहें अपनी मर्जी से ऐड कीजिए, एचपी सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेने के बाद हम इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। चिकन अच्छे से मसालों के साथ भून चुका है। इस स्टेज पर आप इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था अराउंड 2 टेबल स्पून ले लीजिए। अब इसके साथ भून लेंगे, फिर हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। अब इसमें हमारा टोमेटो पेस्ट भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट, पहले 1/2 कप ऐड करके देखें। अगर आपको सही क्वांटिटी लगती है, क्योंकि अभी इसमें पानी भी इतना छोड़ना है योगर्ट ने और उसमें फिर ये कुक होगा। अगर आपको ठीक लगता है इसकी क्वांटिटी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें फुल कप ऐड कर लीजिए। और अब इसको अराउंड 5 to 8 मिनट्स कुक करने के लिए रख दीजिए लेट से कवर करके। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। जी तो ऑयल साइड पर हो चुका है और चिकन हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इस स्टेज पर आप इसमें चॉप्ड फ्रेश ग्रीन चिलीज ऐड कर दीजिए, कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए। और अगर आपको मसाला कम लग रहा है, मुझे इस वक्त ऑलमोस्ट सही लग रहा है, इसलिए मैं बहुत कम अराउंड 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और बिल्कुल एंड पे सर्व करते हुए हम इसमें ऐड कर लेंगे ग्रीन कोरिएंडर, और हमारा मज़ेदार ब्लैक पेपर चिकन बिल्कुल तैयार है।